एवरीवन, तो कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं करने वाली हूँ ब्लैक साड़ी के साथ ये मेकअप लुक। अगर आप ब्लैक साड़ी या ब्लैक कलर का कोई भी ड्रेस पहनने जा रहे हो तो आप इस टाइप से तैयार हो सकते हो। तो आई होप आपको ये लुक काफ़ी अच्छा लगे। तो मैंने दोनों तरह की लिपस्टिक यूज़ की है, न्यूड कलर की लिपस्टिक भी यूज़ करी है और ये लाइट कलर की लिपस्टिक भी यूज़ करी है। तो दोनों जो भी आपको पसंद हो आप उस हिसाब से लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने दोनों लुक दिए हैं, कौन सा लुक आपको ज़्यादा अच्छा लगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना कीजिए, भूलें सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, पहले मॉइस्चराइज़र लगा लें, उसके बाद मैंने ये फर्स्ट वाली का सीरम यूज़ किया है, इसको हम फेस पे अप्लाई कर लेंगे। अब मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर जो कि है वेट एंड वाइल्ड का। ये एक ग्लिटरी प्राइमर है, बहुत अच्छा शाइन आता है इसे फेस पर। अब हम इसको अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड का ही फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। शेड नंबर मैं दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इन दोनों को मैंने मिक्स करके यूज़ किया है, एक डार्कर और एक लाइटर शेड को। और इस तरीके से हम अपने नेक पर भी अप्लाई कर लेंगे और ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसकी जो कवरेज है वो काफ़ी अच्छी कवरेज है वेट एंड वाइल्ड फाउंडेशन की, और मुझे फाउंडेशन काफ़ी पसंद है। अब मैं ये स्टिक यूज़ कर रही हूँ जो कि ओलिविया की वाइट स्टिक यूज़ कर रही हूँ मैं। तो इसे मैं ब्रश से अप्लाई करूँगी अपनी आईलिड पर, और थोड़ा सा इसको और अच्छे से सेट करने के लिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ ताकि बहुत अच्छे से ये सेट हो जाए। अब कॉम्पैक्ट पाउडर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है मार्स का शेड नंबर 02, डार्क कलर का है ये, थोड़ा सा डार्क है। तो इससे मैं अपना कंसीलर सेट कर रही हूँ और फेस को भी पूरे फेस पर हम अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद मैं मिस रोज की आई शेडो पैलेट ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं जो आई शेडो यूज़ किया है उसके लिए हम तीन तरह का आई शेडो लेंगे। ब्राउन में ही सबसे पहले लाइटर ब्राउन कलर लेंगे, फिर उससे थोड़ा सा डार्क ब्राउन ले लेंगे आई शेडो, उसको ऐसे इस तरीके से ब्लेंड कर लेंगे हम, और सर्कुलर मोशन में मैंने इसको ब्लेंड किया है। इसके बाद मैं डार्क कलर का ले रही हूँ आई शेडो, इसको भी हम इसी तरीके से सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर लेंगे पूरे आईलिड पर। अब मिडिल में मैंने ये बेज कलर लिया है लाइटर, इसको जो हमारा आईलिड एरिया है उस पर अप्लाई करेंगे ताकि एक हल्का सा कट क्रीज सा लुक आ जाए। अब इस तरीके से मैंने हल्का सा डार्क कलर का ब्लैक आई शेडो लिया, बहुत हल्का लेना है, मैं ज़्यादा नहीं लेना है ब्लैक आई शेडो। इसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का लूज ग्लिटर ले रही हूँ, शेड नंबर 08 है ये गोल्डन, इसको मैं अप्लाई करूँगी खाली फ्रंट वाले एरिए पे, पूरी आईलिड पे नहीं करना है। अब ऊपर से मैं ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ गोल्डन कलर का हाफ आईलिड पर, तो इस तरीके से अप्लाई करेंगे। अब हम आईलाइनर लगा लेंगे जो कि है स्विस ब्यूटी का आईलाइनर जेल। तो इस तरीके से हम अपनी आईज़ पर अप्लाई कर लेंगे विंग्ड आईलाइनर। आपको जौन सा भी आईलाइनर यूज़ करना आप वैसे यूज़ कर सकते हो। अब लोअर पर मैं इसको अप्लाई कर लूँगी, बहुत पतली सी लाइन लगानी है हमें। अब यहाँ पर मैंने लैक्मे का मस्कारा यूज़ किया है। इसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड की कॉन्टोरिंग किट ले रही हूँ, पूरे फेस को अच्छे से कॉन्टोर कर लेंगे ताकि हमारा जो मेकअप है वो अच्छे से सेट हो जाए और फेस का भी एक अच्छे से लुक आ जाए, मतलब एक कट क्रीज बन जाए फेस पर भी, आई मीन सॉरी थोड़ा अच्छे से शेप में आ जाए। इस तरीके से हम कॉन्टोरिंग करेंगे अच्छे से। अब हम नोज़ की कॉन्टोरिंग करेंगे। नोज़ की कॉन्टोरिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारे फेस को एक बहुत अच्छी शेप मिलती है। इसके बाद ब्लशर ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का ब्लशर पैलेट, शेड नंबर 03 पैलेट है। इस सबसे पहले मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, ये गोल्डन सिल्वर हाइलाइटर है, बहुत अच्छा हाइलाइटर है, मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद ब्लशर यूज़ कर रही हूँ पीच, पीच कलर का ब्लशर ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो पीच कलर का ब्लशर मैंने यूज़ किया है। तो हम इसको इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। अब मैं हाइलाइटर ले रही हूँ इस चीक्स पर अप्लाई करने के लिए, इस तरीके से हम हाइलाइटर यूज़ करेंगे। इसका हाइलाइटर काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी इस हाइलाइटर की। तो जो भी एरिया आपको हाइलाइट करना है आप उसको अच्छे से हाइलाइट कर लीजिए। अब मैं लिपस्टिक ले रही हूँ जैकलीन की शेड नंबर 21, काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है, न्यूड कलर का लिपस्टिक है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। तो आप चाहो तो अगर न्यूड कलर यूज़ कर रहे हो तो न्यूड कलर यूज़ कर सकते हो। और जो मैंने डार्क कलर की लिपस्टिक यूज़ की है वो पर्पल का लिप क्रेयॉन है डार्कर,
आई थिंक स्मिटन है उस, मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये है मेरा फाइनल लुक, आई होप आप सभी को ये काफ़ी अच्छा लगे। तो न्यूड के लिपस्टिक के साथ ये वाला लुक आप कर सकते हो, अगर आप डार्क लगाना चाह रहे हो तो आप डार्क भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरा फाइनल लुक, आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छा लगे, अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।